हम आपको बताते हैं लखनऊ में जो एनकाउंटर हुआ, आतंकवादी मारा गया, इसके अलावा अलग अलग जगहों से जो आतंकी पकड़े गए, ये आतंकियों की साजिश किस तरह से फेल हुई, इसको भी देखिए। फेल हुई लखनऊ को दहलाने की साजिश, नाकाम हुआ आईएसआईएस का षड्यंत्र। 11 घंटे बाद लखनऊ में आईएसआईएस आतंकी का एनकाउंटर। लखनऊ में आतंकी से मुठभेड़ खत्म। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में संदिग्ध आईएसआईएस आतंकी सैफुल्लाह को आखिरकार मार गिराया गया। करीब 11 घंटे तक चली गोलीबारी और एनकाउंटर के बाद जब पुलिस की टीम कमरे में दाखिल हुई तो वहां आतंकी सैफुल्लाह का शव मिला, जिसके पीठ पर एक बैग था जिसमें विस्फोटक भरा हुआ था। आज का जो ऑपरेशन है, अभी उस ऑपरेशन को क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि अभी घर की सर्च हुई है और घर की सर्च में एक व्यक्ति जो सस्पेक्ट है उसकी डेड बॉडी मिली है। ऑपरेशन यहाँ क्लोज होता है, वेपन्स मिले हैं और सीनियर अधिकारी मौके पर हैं, मौके का पूरा मुआयना किया जा रहा है। अब बाकी के जो बचे हुए अभियुक्त हैं, जो सस्पेक्ट्स बताए गए थे, उनकी तलाश भी जारी है, वो जारी रहेगी। दरअसल यूपी पुलिस आतंकी सैफुल्लाह को जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि उससे पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सके। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को देखते ही सैफुल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया और फायरिंग शुरू कर दी। आतंकी को बाहर निकालने के लिए आंसू गैस और मिर्ची बम का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद आखिरकार फायरिंग में सैफुल्लाह मारा गया। लखनऊ में बड़ा एनकाउंटर तो खत्म हो गया, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। काकोरी के हाजी कॉलोनी में चल रहा पिछले 12 घंटों से अधिक समय से एटीएस और आतंकी सैफुल के साथ जो मुठभेड़ चल रही थी, अब वो खत्म हो चुकी है। इस पूरी मुठभेड़ में आतंकी सैफुल मार गिराया गया है। पुलिस ने उसे कई बार सरेंडर करने के लिए कहा और तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माना और लगातार वो पुलिस पर फायरिंग करता रहा। फिलहाल उसे मार गिराया गया है। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ नीरज मिश्रा, इंडिया 24/7, लखनऊ।